Okay, students, so I'm back with the next part of this same chapter. That's your Life in the Rural Areas, Chapter 3, History Part. We are talking to the students of Grade 8, Social Science Book, page number 22-23. This is Chapter number 3, Life in Rural Areas, and we are doing the Mahalwari system rather. And we have already done, for the students who have just viewing this video, I just want to tell you that the previous parts of the same chapter, that is Life in the Rural Areas, is available in the previous videos. Okay, so this particular chapter is in divided in some parts, maybe 4 or 5 parts. So just look at the parts, part 1, part 2, part 3, part 4, and you can find all the parts of this chapter, okay? So now the previous part was dealing with permanent settlement system, and that we had known that all these zamindars basically were given the authority to collect the revenue, but the system failed miserably because there was not enough collection of timely connection of revenue. So Britishers thought that koi naya system lekar aate hain, to inhone naya system kya laya? महलवारी सिस्टम जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. महलवारी सिस्टम ये महल महल जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है महल. ओके, तो महल किसको कहते थे ये लोग? बहुत सारे गांवों को इकट्ठा करके जो सारा लैंड इकट्ठा हुआ उसको कहते थे महल. ठीक है, अब हम इसे रीड आउट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड महल. व्हाट डू दे मीन बाय द वर्ड महल? ओके, द महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब. कौन कौन सी जगह में महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था? जो आजकल हम जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स और पंजाब, इन सारी जगहों पे महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, इन दीज एरियाज लैंड वॉज कॉमनली ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड महल्स. ऐसी ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम क्या कहते थे? महल कहा करते थे. और इनका जो लैंड होता था यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, राइट? द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द हेडमैन ऑफ ईच महल. अब रेवेन्यू तो कलेक्ट होगा तो कोई ना कोई तो कलेक्ट करेगा, तो वो ब्रिटिशर्स के बेसिकली एजेंट्स होते थे. उन एजेंट्स को हम यहाँ पे कहते थे हेडमैन. ओके, हेडमैन यानी कुछ भी, एक मॉनिटर सा इन्होंने बना दिया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और वो ब्रिटिशर्स को या कंपनी को वो पे करेगा रेवेन्यू. ठीक है, ऑल्सो द रेवेन्यू डिमांड वॉज नॉट फिक्स परमानेंटली. पिछले वाले अपने परमानेंट सिस्टम में जो रेवेन्यू डिमांड था वो फिक्स था. ओके, लेकिन इसमें जो था ये फिक्स नहीं था, इसे रिवाइज कर सकते थे पीरियोडिकली. रिवाइज कर सकते थे यानी कि चेंज कर सकते थे. कभी कोई सूखा पड़ गया या कोई बाढ़ आ गई है ना, तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज रेवेन्यू आएगा ही नहीं. तो वो सोचते थे चलो हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा इस बार कम ले लेते हैं, तो उनका रेवेन्यू आता रहेगा. तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से ये आए महलवारी सिस्टम में, जो हल्का सा इससे परमानेंट सिस्टम से बेटर था. ओके, क्योंकि अगर कुछ नेचुरल कैलेमिनिटी हो रही है अगर, तो थोड़ा बहुत रिविजन का या चेंजेस का जो वो रेवेन्यू ले रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज आने की पॉसिबिलिटी या अकोमोडेशन है इस सिस्टम में, है ना. नहीं तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं था. फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है. ओके, नेक्स्ट सिस्टम जो इसी पूरी सीरीज में आया वो है रेवतवारी सिस्टम. ओके, पहला था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था महलवारी सिस्टम, तीसरा है रेवतवारी सिस्टम. रेवत का मतलब होता है किसान. ओके, पीजेंट. ओके, और ये सिस्टम कौन लाया? ये सिस्टम लाए थॉमस मुनरो. ओके, द रेवतवारी सिस्टम वॉज डिवाइज यानी बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ या एग्जीक्यूट हुआ थॉमस मुनरो से. थॉमस मुनरो ने इस चीज़ को स्टार्ट किया रेवतवारी सिस्टम को. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज. तो इन्होंने बता दिया कौन कौन से एरियाज में ये स्टार्ट हुआ. अंडर दिस द कंपनी मेड अ रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली विद द रेवत और द पीजेंट. ओके, इसमें बेसिकली क्या करते थे इस सिस्टम में, जो रेवेन्यू सेटलमेंट है यानी कि ये हिसाब किताब कितना रेवेन्यू होगा, कब देना होगा, वो डायरेक्टली सारी बातचीत होती थी रेवत से, जिसका मतलब होता है किसान या पीजेंट. ओके, द फार्मर वॉज रिकग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू. जब तक किसान रेवेन्यू देते जा रहा है तभी तक उसको हम उस लैंड का ओनर मान रहे हैं. लेकिन अगर वो लैंड
का रेवेन्यू नहीं दे पा रहा तो हम उसको ओनर नहीं मानेंगे. ओके, ऑल्सो द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, ऑल्सो द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अब अगर रेवेन्यू जो है वो अगर कोई इनफर्टाइल सॉइल है, इनफर्टाइल लैंड है, उसमें फसल कम होगी तो उसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा. रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था डिसाइड करके, किसान से बातचीत करके कि भाई चलो ठीक है आपकी फसल तो बहुत अच्छी होती है तो आप थोड़ा ज़्यादा आप हमको रेवेन्यू दोगे, और आपकी फसल अच्छा कम हो रही है तो आपका लैंड थोड़ा फर्टाइल कम है, सॉइल फर्टाइल कम है, चलो कोई बात नहीं हम आपसे थोड़ा कम ले लेंगे लेकिन देना तो आपको होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेवतवारी सिस्टम. अब इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या पड़ा, इन सारी चीज़ों से बहुत ही ख़राब हालत हो गई, इम्पॉवरिश्ड हालत हो गई पेजेंट्स की. द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इम्पॉवरिश्ड द पेजेंट्स. द लैंड नाउ बिकेम अ सेलिएबल कमोडिटी विच कुड बी बॉट, सोल्ड और मोर्टगेज्ड. दिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द रूरल लाइफ एंड इकोनॉमी. यानी कि ये जो लैंड था जो पहले किसान ही उसका ओनर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी चीज़ हो गई कि लैंड को ख़रीदा जा सकता है. अगर लैंड ओनर ने रेवेन्यू नहीं दिया तो उसके हाथ से छीना जा सकता है, फिर उसे कहीं बेचा जा सकता है, या फिर मोर्टगेज यानी कि गिरवी रखा जा सकता है. यानी कि लैंड अब एक सेलिएबल कमोडिटी हो गई. कमोडिटी यानी कि कोई एक चीज़ है, आपने इधर से उधर बेच दी, जैसे आप फल बेचते हो पेड़ के. लैंड ऐसी चीज़ नहीं होती है, लैंड एक स्टेडी प्रॉपर्टी होती है. लेकिन ये एक बेसिकली इन्होंने इसे कमोडिटी बना दिया, इसे एक चीज़ बना दिया, सेलिएबल यानी बिकने वाली चीज़ बना दिया, जिससे इस पूरी चीज़ का रूरल इकोनॉमी पे है ना, उनके पैसे पे, पैसे कमाने के तरीके पे, उनके पास जो फंड्स थे उस पे और रूरल लाइफ पे. ऑब्वियसली जब वो पैसा नहीं कमा पाएंगे तो उनकी लाइफ भी चेंज होगी. तो ये सारे सिस्टम्स का बहुत ही बड़ा और गहरा इम्पैक्ट इन चीज़ों पर पड़ा. अभी इधर हमने इधर तक पढ़ा है. लेट्स सी अब नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे.